दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डिविडेंड से जुड़ी हुई ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड के लिए एक्स डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, पेमेंट डेट क्या होती है, साथ ही डिविडेंड स्टॉक की प्राइस पे मिलता है या किसी और तरीके से मिलता है, इसकी जानकारी नहीं होती है। और डिविडेंड लेते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए और डिविडेंड वाले स्टॉक को बेचते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इससे जुड़ी हुई मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड किस कंडीशन में दिया जाता है। दोस्तों डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। जब किसी कंपनी को लाभ होता है या फ़ायदा होता है बिजनेस से, तो वो अपने उस फायदे का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। सपोज अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको वो कंपनी अपने फ़ायदे में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है। अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है तो आपको एक शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो हो गई सिंपल सी भाषा में डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि डिविडेंड स्टॉक प्राइस पर मिलता है या किसी और टाइप से मिलता है। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है कि डिविडेंड हमें शेयर प्राइस पर मिलता है या किसी और पे, तो मैं बता दूं कि आपको डिविडेंड शेयर प्राइस पर नहीं मिलता है, डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पे। जो शेयर प्राइस होता है वो प्रीमियम कहलाता है। हर स्टॉक की जो होता है वो एक प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए नजर आता है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो कम से कम एक की होती है और मैक्सिमम देखा जाए तो 10 की फेस वैल्यू हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। सपोज़ ABC एक कंपनी है, उसने 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, तो जनरली ये माना जाता है कि उस ABC कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 की है और 10 की फेस वैल्यू पे कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, तो ये कहा जाता है कि उस कंपनी ने 100% का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर मान लेते हैं कि ABC कंपनी का फेस वैल्यू 1 का है और उस फेस वैल्यू के आधार पर कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, तो ये कहा जाएगा कि उस कंपनी ने 1000% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि डिविडेंड स्टॉक प्राइस पे ना मिलके फेस वैल्यू पे मिलता है और परसेंटेज में किस प्रकार से काउंट किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा रिकॉर्ड डेट क्या होती है और इसके बाद पेमेंट डेट की और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक्स डेट मतलब कि ABC कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम समझ रहे हैं यहाँ पे ABC कंपनी ने अपने शेयर का जो उसका प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज का है, उसने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, तो इसने डिविडेंड जो है 1 तारीख के दिन अनाउंसमेंट किया है, यानी 1 तारीख इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट उसने रखी है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये 2 तारीख रखी है। तो क्या कारण माना जाएगा कि आपको अगर डिविडेंड लेना है ABC कंपनी का, तो आपको जो शेयर है ये 1 तारीख से पहले आपको बाय करके रखना होगा। 1 तारीख से पहले आप 31 तारीख 30 तारीख या उससे पहले आप बाय करके रख सकते हैं। अगर आप बाय करके रखते हैं तो आप ABC कंपनी में 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड लेने के हकदार बन जाते हैं। अब इसकी होती है एक रिकॉर्ड डेट, जो मैंने बताई आपको कि 2 तारीख हो सकती है। कुछ कुछ कंपनियां एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सेम डेट के ही दिन ही रखती है। तो आपको रिकॉर्ड डेट के अगले दिन आपको स्टॉक बेचना होता है, या आप चाहो तो जब तक के स्टॉक में आपका पोटेंशियल रिटर्न नहीं मिल जाता है, जब तक के आपके भाव पे स्टॉक नहीं आ जाता है, या जब आप बेचना चाहते हो जब आपके भाव पे स्टॉक पहुँच जाता है तब आप उसको बेच सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपको स्टॉक बाय करके रखना होगा और रिकॉर्ड डेट के एक दिन बाद आपको स्टॉक बेच सकते हैं, तब आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एक्स डेट के दिन तो आपको जो स्टॉक है वो डिविडेंड देते हुए नजर आएगा, मतलब कि आप डिविडेंड के उसमें हकदार बन जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड डेट तक के आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है पेमेंट डेट की। तो दोस्तों एक्स डेट निकलने के बाद और रिकॉर्ड डेट निकलने के बाद जब कंपनी के रिकॉर्ड में वो एंट्री हो जाती है कि आप पर्टिकुलर कंपनी में कितने परसेंट शेयर पे भागीदार हो, मतलब कितने परसेंट शेयर की आपके पास डिमेंट में रखे हुए हैं, आपको डिमेंट मिलने वाला है, तो वो आपके रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। उसके बाद इसके 1 महीने के भीतर जो आपका डिविडेंड का अमाउंट है वो आपको दे दिया जाता है। काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है क्या डिविडेंड हमें डिमेंट अकाउंट में मिलेगा या सेविंग अकाउंट में मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये डिविडेंड का जो अमाउंट है क्या आपके सेविंग अकाउंट में कंपनी के द्वारा डायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि डिविडेंड क्या होता है, कब मिलता है और आपको इसको शेयर कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। मोस्टली इन्वेस्टर जो गलती करते हैं वो एक डेट के दिन ही अपने शेयर को बेच देते हैं, तो उस कंडीशन में उनको डिविडेंड का अमाउंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको नुकसान हो जाता है। अब डिविडेंड में बता दूँ कि डिविडेंड किस प्रकार से मिलता है। तो अगर ABC कंपनी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 10 रुपये का डिविडेंड दिया है
तो कंपनी अलग से कोई डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है। कंपनी जो देती है डिविडेंड वो अपने शेयर के प्राइस में से एडजस्ट करके देती है। यानी कि जिस दिन एक्स डेट है तो एक्स डेट के दिन जो 100 रुपये पे आपका एबीसी कंपनी का शेयर चल रहा था वो एक्स डेट के दिन 90 रुपये पे ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें से 10 रुपये का जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपको दे दिया जाता है। कंपनी अपने पॉकेट से कोई पैसा नहीं देती है डिविडेंड के रूप में, आपके शेयर प्राइस में से ही वो डिविडेंड का अमाउंट मिलता है। तो इस प्रकार से जो एक डिविडेंड की डेट होती है उस दिन जो स्टॉक है वो एक से डिविडेंड ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चंस के सारे सवाल के जवाब मिल रहे होंगे और आपने आज समझा कि डिविडेंड क्या होता है, किस प्रकार से दिया जाता है, एक से डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट के बारे में पूरी जानकारी आपने समझी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आप स्टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिस नहीं होंगे और आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाएगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट की बेहतर नॉलेज आप यहाँ पे ले पाओगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।